भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म रंग दे बसंती 22 मार्च को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले मेकर्स को फिल्म के टाइटल पर सेंसर बोर्ड की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन सिंह ने बताया कि उन्हें CBFC से एक कॉल आया था, जिसमें पहले रिलीज हुई किसी हिंदी फिल्म के जैसा सिमिलर टाइटल होने के कारण फिल्म के टाइटल में बदलाव करने की रिक्वेस्ट की गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन सिंह ने ये भी बताया कि अगर जल्द ही कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम और ऑप्शंस ढूंढेंगे। मैं टाइटल बदलने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल होगा। टाइटल पूरी तरह से मेरा है और ये भोजपुरी में है। उन्होंने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि हमें हिंदी फिल्म के टाइटल के कंपैरिजन में एक कमजोर बहाना दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में कभी खुशी कभी गम नाम से एक भोजपुरी फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा अप्रूवल दिया गया था। खैर, फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट हो चुका है और एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। आप ये मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ENT लाइव पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।